दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से फौरन फिनलैंड से दिल्ली आने को कहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों की वजह से जंग ने यह फरमान जारी किया है। सिसोदिया फिनलैंड में हैं, एजुकेशन टूर पर हैं, वो इस वक्त मौजूद। फिनलैंड की अपनी इन्हीं तस्वीरों की बदौलत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह दलील पेश की है कि फिनलैंड का उनका दौरा छुट्टी मनाने या मौज मस्ती के लिए नहीं है, लेकिन दिल्ली में बेकाबू चिकनगुनिया या डेंगू के आगे उनकी ये दलील खुद उपराज्यपाल नजीब जंग ने अनसुनी कर दी है। उपराज्यपाल की ओर से मनीष सिसोदिया को फौरन दिल्ली आने का फरमान जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री को फौरन दिल्ली आने को कहा गया है क्योंकि दिल्ली डेंगू और चिकनगुनिया से जूझ रही है। सिसोदिया के अलावा उनके साथ फिनलैंड गए शिक्षा सचिव समेत सभी अधिकारियों को भी दिल्ली लौटने का आदेश जारी हुआ है। मनीष सिसोदिया के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग का यह आदेश ऐसे वक्त पर आया है जब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने इलाज के लिए दिल्ली से बाहर हैं। ऐसे में विपक्ष दिल्ली सरकार के नुमाइंदों को भगौड़ा बता रहा है। शुक्रवार को तो कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में भगौड़ा दिवस तक मना डाला। बहुत बुरे हाल दिल्ली के अंदर है। दिल्ली आज पूरी तरीके से दिल्ली आज ठप हो चुकी है और जो मानसून से पहले की जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो नहीं करी गई और पूर्णतः यह सरकार जिम्मेदार है आज की स्थिति के लिए। और मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री को एकदम से दिल्ली आना चाहिए और आकर के हालात को संभालने चाहिए। विपक्ष के इस हमले का जवाब देने के लिए खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कमान संभाली है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि दुनिया भर से सीखना पाप नहीं है, लेकिन एक शैक्षिक टूर को छुट्टी बताकर बदनाम करना पाप है। मैं फिनलैंड में हूँ, हमें उनकी शिक्षा व्यवस्था जो कि दुनिया में सबसे बेहतर है उससे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन शिक्षा सुधारने के लिए कोशिश करने के इस दावे के बीच स्वास्थ्य को प्राथमिकता से गायब करने के आरोपों पर दिल्ली सरकार घिर गई है। केंद्र सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया पर हुई मौतों पर पूरी रिपोर्ट दिल्ली सरकार से मांगी है। मैंने दिल्ली सरकार को कहा है कि जो भी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी अपने हॉस्पिटल में, सबकी केस हिस्ट्री मांगी जाए, सबकी डिटेल्स ली जाए, उसको एनालाइज किया जाए, उसकी रिपोर्ट हमको भेजी जाए ताकि हम एनालाइज कर सकें कि ये घटनाएं कैसे घटी। चिकनगुनिया और डेंगू से दिल्ली में कम से कम 31 मौतें हुई हैं और 3000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जाहिर है कि महामारी पर काबू जल्द ना पाया गया तो आम आदमी पार्टी को राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। यशस्विका महलोत्रा के साथ अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली।